नमस्कार, घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आज घोषणा पत्र में मेरे मेहमान बहुत दिलचस्प हैं, सांसद पप्पू यादव। सांसद पप्पू यादव जो खुद को लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी मानते थे, मगर बात बनी नहीं, नतीजा ये हुआ कि दोनों के रास्ते जुदा हो गए। मगर उनकी मौजूदगी बिहार की सियासत में किसी पहेली से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार मिल चुके हैं, खास सिक्योरिटी भी इन्हें हासिल है। अब बिहार की सियासत में उनकी क्या योजना है, किसका वोट काटने वाले हैं, हालांकि ये दावा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव वोट कटवाएं, और यही नहीं, इनकी अपनी एक छवि भी है, एक दबंग नेता की, एक बाहुबली की, क्योंकि जेल की शोभा भी बढ़ा चुके हैं कुछ साल ये। तो ऐसे में पप्पू यादव की बिहार की सियासत में खास मौजूदगी है। आज हमारे साथ पप्पू यादव खुद मौजूद हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। मगर आइए शुरुआत करते हैं उनके सियासी जीवन पर, ये रिपोर्ट देख के। सड़क से संसद तक लड़ाई होगी, बिहार बंद करेंगे तो यूपी बंद होगा। बाहुबली और दबंग बिहार में नेताजी के नाम से मशहूर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जंग का आगाज शुरुआत होगा आम आदमी के राज के लिए। मेरा बस चले तो सब पॉलिटिशियन मिले और शूट एंड साइड कर दे। आप लोग किसको बकसते हो? आप रामलाल पासवान को बकसे? आप लोग किसको बकसते हो? जॉर्ज को आपने कहीं का रखा? 1967 में बिहार के पूर्णिया में एक पप्पू यादव का जन्म हुआ। पप्पू उपनाम बचपन में उनके दादाजी ने रखा था। पप्पू यादव ने राजनीति विज्ञान से लेकर मानवाधिकार और डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पप्पू यादव की शादी रंजीत रंजन से हुई है, जो खुद कांग्रेस की सांसद है। 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए पप्पू यादव 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पप्पू यादव पर आपराधिक मुकदमे भी चल चुके हैं। अजीत सरकार मर्डर केस में पप्पू यादव को निचली अदालत से सजा हुई, हालांकि बाद में हाई कोर्ट से वो बरी हो गए। पप्पू यादव लंबे समय तक जेल भी रहे। पप्पू यादव पर पुरुलिया हत्याकांड के आरोपी किम देवी की मदद के भी आरोप लगे। पप्पू यादव को भले ही बाहुबली नेता कहा जाता हो, लेकिन पूर्णिया और मधेपुरा में गरीबों के बीच पप्पू की छवि मदद करने वाले मसीहा की तरह है। पप्पू यादव कई दलों की सवारी कर चुके हैं। लालू की आरजेडी और पासवान की एलजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी में पप्पू यादव रह चुके हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने आरजेडी के टिकट पर लड़ा और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को हराकर सबको चौंका दिया। लेकिन बागी तेवरों के बाद आरजेडी ने इसी साल मई में पप्पू यादव को पार्टी से निकाल दिया। पप्पू यादव अपनी जन अधिकार पार्टी बना चुके हैं। सीमांचल में पप्पू यादव का अच्छा खासा प्रभाव है, जो लालू और नीतीश की चिंता की बड़ी वजह बना हुआ है। बिहार चुनाव पप्पू यादव की पार्टी का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। तो हमारे बीच पप्पू जी हैं। पप्पू जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, और आप मंच पर आए और बताएं हमें कि आखिर बिहार की जनता आप पर क्यों एतबार करे। स्वागत है आपका पप्पू जी। बिहार में लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लेकर के एक सामाजिक न्याय के परिधि में आने वाले जो सामाजिक वर्ग संघ, जो कॉमन आदमी होते हैं, जो आम लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। पप्पू यादव चुनाव में या राजनीति में 90 में आने के बाद नहीं, 82 से ही लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी वो फिरहस्त है, चाहे भूज हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, सभी जगह। आज भी मैं अपना कोई तनख्वाह आज़ादी के बाद, अभी जब से मुझे 90 के बाद तनख्वाह मिली है, और हम मैडम रंजीत रंजन जी को सारे तनखे कहीं 6,000-10,000, कहीं दशरथ मांझी को जाता है, कहीं भूज को जाता है, मैं कोई तनख्वाह अपना नहीं लेता हूँ, सारे तनखे चेक के द्वारा इस देश के गरीबों को जाता है। जहाँ जहाँ घटना घटी थी, जहाँ पढ़ने की स्थिति नहीं थी सुबह, और जितना इस देश के राजनीतिज्ञों ने लूटा होगा, उतना
अकेले डेली गरीबों को बांटता हूं। 400-500 आदमी दिल्ली के डेरे पर गरीब रहते हैं, 400-500 आदमी पटना या जाए जहां भी हों, हर सवाल पर खड़ा रहा हूं, चाहे वो देश के हिस्से में बिहारी को गाली मिला हो, अपमानित किया गया हो, महाराष्ट्र में हो, आसाम में जलाए गए हों, वहाँ गए हों, आंध्रा में स्टूडेंट को मारे गए हों, वहाँ हम गए, हरियाणा में मारे गए वहाँ गए, यूपीएससी की लड़ाई हो, उस सवाल पर हो, सब ने छोड़ दिया, सब बिके। लगातार लंबे समय से छात्र आंदोलन और युवाओं के सवाल को लेकर के पूरे देश में हम संघर्ष करते रहे। 90 के बाद से लेकर के आज तक कोई ऐसा गरीब, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे दरवाजे से लाखों, एक नहीं 7 लाख से ऊपर लोगों की मेरे इंटरनेट पर है नौकरी, और मिनिमम 22 लाख से ऊपर लोगों की पढ़ाई मैंने अपने कोस्ट पर की है पढ़ाई, कोई ऐसे छात्र और कोई ऐसा व्यक्ति, इंडिया टुडे ने लिखा था कि पप्पू यादव इस बिहार में, आप जेल की बात करते हो, आपको आश्चर्य होगा जब मैं जेल में था, जब साइक्लोन आया था तो 4,36,00,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर को मैंने भेजा और 14 किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे, जिस 14 किडनी ट्रांसप्लांट में 12 किडनी ट्रांसप्लांट वाला ऊंची जात के थे, मैं नहीं जानता हूं। इंडिया टुडे ने लिखा कि आखिर पप्पू जब सब छोड़ दिया, पति छोड़ दिया अंशुमाला झा को, तो जब मैंने अखबार में पढ़ा राष्ट्रपति पुरस्कृत अंशुमाला झा को पप्पू यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया, व्यवस्था हर आदमी को बाहुबली बना देता है, कौन ऐसा सिस्टम है? क्या जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ दिया? क्या कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण को छोड़ दिए थे? क्या नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं उठे? क्या अमित शाह जी पर सवाल नहीं उठे? लालू यादव जी जो जिसकी बात आप करते हैं, नीतीश कुमार जी जो साम्राज्य किए, जो अपने को दुनिया का सबसे साफ सुभी सभी अपने को मानते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी का हूं, आश्चर्य है जिसने जात का सबसे ज्यादा रंग होला हो बिहार में लालू यादव जी के बाद, उसका नाम है नीतीश कुमार, वो साफ छवि के लोग हो गए, और जिसने अकूट संपत्ति कमाया हो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र के बाद, जो 2200-2300 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता हो वह भी साफ छवि के, और लालू यादव भी लीडर जिसने समाप्त कर दिया सारे जाति व्यवस्था को, जिसने नरेंद्र मोदी जी को लाने का काम किया नीतीश कुमार जी, और जो 17 साल राज किए वो भी सेकुलर हो जाए, मेरे अपने एजेंडे हैं। मैं चाहता हूं एक बदलाव, मैं चाहता हूं आम लोगों का बदलाव, आम लोगों का राज, मैं चाहता हूं जाति जैसी जहर को समाप्त कर शोषण और शोषित के बीच में एक धारा खींची जाए, बेरोजगार और रोजगार के बीच में एक धारा खींची जाए, दलाल और बिचौलिया का जो सम्राट 25 सालों में हुआ है, बेगर और भ्रष्ट नेता, मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरी सहभागी की सरकार बनी उसी दिन नेता अफसर और जो ठेकेदार टाइप के बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, इनकी संपत्ति का जब्त हो। आप मिनिमम 40,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गए 25 सालों में, उसमें 14,00,000-12,00,000 करोड़ रुपया इन माफिया अफसरों के घर में गए हैं। मैं आऊंगा तो 3 महीने के अंदर अलग से एक मंत्रालय जांच बना करके एक जांच कमेटी बनाऊंगा और 7,00,000-6,00,000 रुपया इसके घर से निकालूंगा। है मेरी लड़ाई, है मेरी लड़ाई, आम आदमी का राज कैसे होगा, कलेक्टर राज कैसे खत्म होंगे? मेरी आपसे गुजारिश है आप आए यहाँ स्थान ग्रहण करें और कृपया इस माइक का इस्तेमाल कीजिएगा लोगों के सवालों के जवाब देने का, और आपसे ढेरों सवाल होंगे। हमारे साथ मंच पर पप्पू यादव हैं, और आइए अब कार्यक्रम के पहले हिस्से का हम रुख करना चाहेंगे, और वो सवाल ये कि क्या पप्पू यादव वोट कटवा का किरदार निभाएंगे? बिहार चुनाव में पप्पू यादव क्या वोट कटवा बनेंगे? पप्पू यादव के साथ 68.4% नौजवान है, किसी के पास 4% और 6% जात है, मेरे पास 68.4% नौजवान है, हमसे ज्यादा जमात और जात किसी के पास नहीं है, जिनसे लव मैरिज किए हैं ना एनडीए, उससे बड़ा ताकत पप्पू यादव है। बड़ा सवाल ये पप्पू जी कि आप अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि सियासत इस तरह की है कि आप अपने दम पे तो सरकार नहीं बना सकते। क्या ये बात सही है कि अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो वहां पर आप अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे जहां आरजेडी मजबूत स्थिति में है, यानी कि आप एनडीए के पक्ष में वोट कटवा का काम करने वाले हैं? देखिए एक बात मैं बताऊं, पहले तो उनके समधी से पूछ लीजिए वो वोट कटवा है कि नहीं, मुलायम सिंह जी से, शरद पवार जी से, तारिक साहब से, उनसे आपको पूछ लेना चाहिए, जिन्होंने नेता बनाया
जिन्होंने नीतीश कुमार जी को नेता बनाया, लालू यादव को नेता बनाया, एक मंच पर लाया, उनको अपमानित और मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, और फिर नीतीश जी से पूछ लेना चाहिए, राहुल गांधी भी ठीक और अरविंद केजरीवाल भी ठीक, मुलायम सिंह और लालू यादव भी ठीक और अरविंदो केजरीवाल ठीक, ममता दीदी भी ठीक और CPM भी ठीक, इतना बड़ा दुनिया का अवसरवादी और अहंकारी, दो अहंकारी और अवसरवादी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, जिसने, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल है, जिसने उम्मीद और सपना को बेचा और पैर के तले नौजवानों के इतिहास को मिटाने का प्रयास किसी ने किया, तो राजनीति में सबसे अंतिम में आकर के जिसने एक तरफ जॉर्ज को ठगने वाला नीतीश कुमार और दूसरे तरफ अन्ना को ठगने वाला अरविंद, अरविंद और नीतीश की जोड़ी दोनों ने अपने गुरु को सुला देने वाला व्यक्ति, यह लंबी लंबी बात करता है। एक तरफ शीला दीक्षित बेमान और नीतीश कुमार अच्छा, लालू यादव दुनिया का महाचोर और नीतीश कुमार अच्छा, स्पष्ट है। आप NDA के पक्ष में वोट कटवा का सवाल काम करने ही वाले नहीं उठता, क्या लोकतंत्र में किसी तीसरे पार्टी को लड़ने का अधिकार है या नहीं? यदि नहीं है तो कानून बन जाना चाहिए कि दो ही पार्टी लड़ेगी, तीसरी पार्टी नहीं लड़ेगी। तीसरी पार्टी, मैं तो समझता हूं आज बिहार में तीसरी एक बड़ी ताकत की उदय होना स्वाभाविक है। पहले भी मैं साफ था, यदि मैं वोट कटवा होता तो राबड़ी देवी जी राघोपुर में जमानत जब कैसे हो गई, मुख्यमंत्री रहते हुए 1,10,000 यादव है, सोनपुर में 27,000 से राबड़ी देवी जी कैसे हार गई, पाटलिपुत्रा सबसे ज्यादा यादव है, दोनों बार लालू यादव कैसे हार गए, आयातीत प्रवासी पक्षी शरद यादव से कैसे लालू यादव दो बार हार गए, पप्पू यादव को क्यों लाए, ना पंखा ना पंखी, इंग्लिश बोल, दिल्ली में बैठ करके इंग्लिश में बिलायती कुत्ता और दुनिया में ठगते रहना, और ये लोग बैठ करके पॉलिटिकल क्रिमिनल वाले बात करने वाला व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूंगा, ठीक है, मधेपुरा से हारने वाला, राघोपुर से हारने वाला, पाटलिपुत्रा से हारने वाला और नीतीश कुमार कभी चुनाव नहीं लड़ने वाला व्यक्ति लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जो व्यक्ति, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत, चाहे ब्राह्मण, हर व्यक्ति के दरीज पर जाकर के सवाल आम लोगों के लिए जीता है, वो वोट कटवा नहीं है। पप्पू जी, पिछले दिनों मेरा आपके इलाके मधेपुरा जाना हुआ था, वहाँ बहुत से आपके समर्थकों से मुलाकात हुई, उनका ये कहना है कि आपको अलग से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, आपको NDA के साथ चले जाना चाहिए था। उनका ये कहना है कि आप चूंकि अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे हो सकता है नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को नुकसान हो, हो सकता है कि BJP को फायदा हो, लेकिन आपकी सियासी झोली में कुछ जाने वाला नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या NDA में आपने जाने की कभी सोची थी, या NDA की तरफ से कोई ऑफर आया था? देखिए, स्पेस तो जरूरी होता है और हर आदमी अपने स्पेस के लिए आगे बढ़ता है। मैं बार बार आपको कहा कि बिहार एक बदलाव की धारा की ओर है, चाहे आज बदले चाहे 2 साल के बाद बदले। जहाँ तक सवाल है पप्पू यादव को NDA में चले जाने का, आपको मैं एक बात पहले भी मैंने कहा था कि NDA के साथ रह करके ही निश्चित रूप से, यदि मैं प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिला, 3 बार मिला, नीतीश लालू यादव जी के 2 शादी में यदि बाजा बजे और सेल्फी फोन खींचा जाए तो बहुत अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी का पैर पकड़ करके चारा में बच जाए तो बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को गुजरात जा करके देश का प्रधानमंत्री बनाए तो बहुत अच्छा, 17 साल राज करें तो बहुत अच्छा। पप्पू यादव कोसी के और मिथिलांचल के सवाल पर लगातार मिला, और मिले प्रधानमंत्री से तो पॉलिटिकल बात भी हुई होगी, लेकिन सवाल सिर्फ विकास था, पॉलिटिकल बात दूसरे बात निश्चित हुई, बिहार के संदर्भ में बातचीत हुई। जहां तक NDA में जाने और ना जाने का सवाल था, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं कि बीच में लड़ने की कहीं मानसिकता मेरी नहीं रही। मेरा सबसे ज़्यादा जो वोट है वो है मुसलमानों का, मुसलमान सबसे ज़्यादा पप्पू यादव से, बिहार में यदि किसी से प्यार करता है वो है मुसलमान, रियली। और इसको कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगा कि मुसलमान उम्मीदवार होने के बावजूद भी 5-5 बार 4,000-18,000 वोट आए नेशनल पार्टी के होने के बाद। मुसलमान के बाद सबसे ज़्यादा मेरा वोटर है नौजवान, जो सभी जात के हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़रूर लगातार संघर्ष, 1 साल में दिल्ली लौट के नहीं आया, लगातार हर सवाल पर हम खड़े रहे। जिन सपोर्टर, आपसे जो लोग सपोर्टर मिले थे उनको पूछिएगा, पेट में दर्द हो तो पप्पू यादव
और माँ को दर्द हो तो पप्पू यादव, बीमारी हो तो पप्पू यादव, दवाई ना मिले तो पप्पू यादव, साइक्लोन में मरे तो पप्पू यादव, कब लालू और शरद यादव गए थे? मैं आपसे स्पष्ट कह, सर आप किसी की मदद करेंगे गरीबी गरीब की इलाज में इसमें मदद करेंगे तो उसके बदले में वोट लेंगे, ये कहाँ का हिसाब किताब है? डेमोक्रेसी में बात करेंगे? धन्यवाद। सवाल वोट, जब मैं 5 बार MP रहा, बड़ा विनम्रता के साथ आपको कहूँगा कि 5 बार MP, 4 बार इंडिपेंडेंट, और मैं मधेपुरा से BP मंडल ललित नारायण मिश्रा लालू यादव जी 90,000 क्रॉस नहीं किए और मुझको लोगों ने 3,80,000 में जिताया। मैं वोट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा मेरी जो वैचारिक पद्धति है और राह है वो स्पष्ट है, वो सिर्फ कॉमन आदमी और आम आदमी के लिए है, मेरा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। जिस हिसाब से आप अभी तक हमको समझा रहे, ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में आपने इतना काम किया कि सारे चीज़ें छोड़ के लोग आपको वोट देते हैं, लगातार इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, पूरे बिहार में आपको समझ गए होंगे लोग, अभी बिहार में पूरे बिहार में चुन के आपको तो अभी तक सत्ता में बैठ लेना चाहिए था। एक बात मैं बता दूँ, कई बार गुंडों का टेरर भी होता है जिसके वजह से एक तरफा वोट गिरता है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, मुंबई के आसपास मिलेगा। तो समाज सेवा सब करते हैं, जितने अंडरवर्ल्ड के लोग हैं मुंबई में सब समाज सेवा करते हैं, ठीक है। समाज सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने किया, जो आरोप लगे हैं वो धुल जाते हैं। आज सर ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद बहुत करे भैया। जो जिन जिन बाल ठाकरे और राज ठाकरे की बात आपने की ना, और जिन लोगों की बातचीत की उनका बैकग्राउंड देख लेना, साइकिल नहीं है। और जिस पप्पू यादव के सामने बैठे और जितने लंबे चौड़े बातों से, आपके पास क्या था मैं नहीं जानता हूं, आप जितने लंबे चौड़े बात करते हो, पप्पू यादव के पास 9,000 बीघा मेरी बपौती थी, आपने नहीं दिया था, और मैं अपने घर में अपने घर की जमीन बेच करके लोगों की मदद करता रहा हूं, और एटीट्यूड से नहीं नहीं अशोक जी और का सवाल वो नहीं था बप्पू जी, अशोक जी का सवाल था और जहां तक बाहुबलियों का एक टेरर होता है जिसके चलते वोट पड़ता है। नहीं, जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, मदद करने की बात, सवाल छोड़ दीजिए मेरी फिरस्त, ठीक है, चले जाइए मेरे अकाउंट में, मेरा चेक कहाँ जाता है उसको जाके देखिए। भूज मुझे राजनीति नहीं करनी थी, मुझे उत्तराखंड में राजनीति नहीं करनी थी, दशरथ मांझी को 2 साल से लगातार परिवार को मुझे 6,000 नहीं देना था, 2 लाख हर परिवार को 2,00,000-5,00,000 रुपया देके नौकरी देने के लिए मैंने जो दिया वो मेरा राजनीति नहीं था, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी ताकत है। जहां तक टेरर का सवाल है तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस महाराष्ट्र के टेरर की बात किए या जिस नरेंद्र भाई मोदी जी पर भी और अमित शाह जी पर अंश सवाल उठे हैं, और जिस जयप्रकाश नारायण को उग्रवादी कहा जाता था कांग्रेसियों के द्वारा और जॉर्ज फर्नांडिस को, क्या एक सबसे बड़े परिवार और बेहतरीन PG करने वाला टेरर पप्पू यादव टेरर कैसे हो गया? पप्पू जी एक मिनट, एक मिनट पप्पू जी, पप्पू यादव टेरर कैसे हो गया? और ले लीजिए, सवाल नहीं लेना ही एक टेरर है, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार ने कहा कैसे हो गया पप्पू यादव, यही टेरर है, आप सवाल तो कम से कम लीजिए, आपके आचरण में है, उनका जवाब से लेना चाहिए था, आपके आचरण में है, और बिहार के संदर्भ में आप तमाम चीजें बोले, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि अपराध का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, और ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है वोट कठुआ के संदर्भ में। पिछले 7 साल से बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं कि वहां अपराध मुक्त शासन मिला है, आप उससे इत्तेफाक रखे ना रहे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है अपराधियों का प्रतिनिधित्व तो कोई कर रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में, और अपराधियों को ऑक्सीजन मिलने का कोई रास्ता तैयार कर रहा है, तो वो ऐसा है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि BJP चिकन हार्टेड पार्टी है, कोमल हृदय वाली पार्टी है, उसके पास अपराध रोकने का जिगर नहीं है, तो नीतीश कुमार ही ये काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में ये मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या वाकई आप अपराधियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बड़ा बड़ी कृपा होगी आपसे, मैं सबसे पहले तो उनको बता दूं कि पप्पू यादव जो एक बेस्ट बिहार का टॉपर स्टूडेंट, जिला स्कूल से लेके कॉलेज के सबसे टॉपर स्टूडेंट, वो टेरर हो गया, और अन्य लोग देश में 5 बार 4 बार इंडिपेंडेंट और क्यों नहीं बन गए, और मैं बड़ी विनम्रता के दिल्ली और पटना में बैठ करके गरीबों का टेरर आप लोग बन करके दूसरों को टेरर मत बनाइए, और आप हैं कौन, क्या प्रश्न किए हैं, मैं आपको बड़ा कृपा करूंगा। अनंत सिंह, सुनील पारे, मुन्ना शुक्ला, धूमल सिंह के घर में सोना, बिंदी यादव, कौशल यादव, गांजा माफिया, शराब माफिया, नीतीश कुमार के अगल बगल ललन सिंह, नीतीश कुमार जी
अभिप्राय हैं। यदि अपराधियों को धरती पर किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी तो वो नीतीश कुमार हैं। पर्वत्ता की घटना, एक दिन में 3 घंटे में 80 महिलाओं का बलात्कार, अभी ग्राफ है 3, जबकि सबसे बड़ा ग्राफ यह है कि 3 हिस्सा मुकदमा नीतीश कुमार नहीं होने देते हैं, 3 हिस्सा 7 सालों के अंदर। और नीतीश कुमार जी इतने ही धर्मात्मा थे तो कलमा पढ़ने वाले पसमंदा गैर पसमंदा, अगर आप पिछड़ा, पिछड़ा में पिछड़ा, पिछड़ा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला ऊंची जाति को नीतीश कुमार, पैर के तले ऊंची जाति को जुरोंदने वाला। पप्पू यादव जी, अभी आप नीतीश कुमार के लोगों का नाम बाकायदा ले रहे थे, लिस्ट गिना रहे थे कि ये लोग कौन हैं। लालू यादव का जब शासन था तो जब वहाँ पे बिहार में जंगल राज की बात होती थी तो कुछ रत्नों के जो नाम लिए जाते थे उसमें आपका भी नाम आता था, तो फिर टेरर वाली बात पर आपको इतनी आपत्ति क्यों है? उस समय तो आपका नाम बड़ी सुर्खियों में रहता था। दिल्ली में बैठ के a+b² - 2b² पढ़ के सिर्फ इंग्लिश जान लेने से दुनिया को जानने का प्रयास आप ना करें। और मैं उस वक्त लालू यादव के साथ नहीं था, लालू यादव के साथ जो लोग थे उनसे पूछ लीजिए। आपका नाम उस समय किस लिस्ट में आता था मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब लालू यादव के जंगल राज की बात होती थी आप किसके साथ थे, की बात नहीं है, बात यह है कि आपका नाम किस लिस्ट में आता मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ। पप्पू यादव उस वक्त भी इंडिपेंडेंट MLA थे, लालू यादव जी के साथ नहीं थे। और 91 में लालू यादव जी को पप्पू यादव ने छोड़ दिया। एक बात बताइए, सवाल से स्वतंत्रता का नहीं है, कभी आप LGP के साथ, कभी समाजवादी पार्टी, कभी RJD, आप सियासत के, बिहार की सियासत के जंपिंग जैक क्यों हैं? नहीं, कोई जंपिंग जैक नहीं है। अरे मुझे, मैं इंडिपेंडेंट था और जब लालू यादव जी से मैं अलग हुआ 92 में, उसके बाद जब मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मैं MP बना तो मैं जिग जैग की बात, यदि रामविलास पासवान जी को लगा कि पप्पू यादव जी हमारे अच्छे देश में काम कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं, तो हम आए, हम साथ में रहे। मुलायम सिंह यादव जी को आपने क्या बाहुबली नहीं कहा जी? आप चंद्रबाबू नायडू पर, आप क्या राजशेखर रेड्डी को बाहुबली नहीं कहा गया? क्या उस मुख्यमंत्री को बाहुबली नहीं कहा गया? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर सारे आरोप नहीं लगे? पप्पू यादव क्या अब आनंद मार्गियों और सन्यासियों को मारने का आरोप ज्योति दादा पर नहीं लगा? सारे, बहुत सारे आरोप सब पर लगते रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि यह सवाल या टेरर या बाहुबली या बनाता कौन है? ये जो बैठे तथाकथित बौद्धी लोग हैं, ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक ताकतवर आदमी है, बौद्धिक लोग जब तक रहेगा इस दुनिया को चैन से नहीं रहने देगा। पप्पू जी, जो बौद्धिकों के खिलाफ आपने शुरू में बताया कि आप पढ़ नहीं पाए, अमेरिका जाना था पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं पाए, नहीं जा पाए मैं तो हो सकता है कि ये रोष उस बात का रहा हो। आप कहते हैं कि बौद्धिकों के खिलाफ, क्योंकि मैं बौद्धिक नहीं बन पाया था, बौद्धिक बनमाश। दूसरी बात आप कहते हैं कि आप समाज सेवा करते हैं, आप राजनीति नहीं करते, समाज सेवा करते हैं। साल भर पहले आप लालू जी के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, उस चुनाव से लड़कर के आप जीत के पार्लियामेंट में आए। अब वो समाज सेवा था या राजनीति था पता नहीं। और जब पार्लियामेंट में आए तो पिछले साल भर में आपने जो उद्धम मचाया फ्लोर पे मोदी जी के खिलाफ, और आज आपने कई शब्दों का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और आज आप नरेंद्र भाई कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो है, मतलब जो आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुआ, आपको उसमें कॉल भी किया स्पीकर ने, और ये ABP के मंच पे जो आपका परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन, जो आप बहुत सॉफ्ट नजर आ रहे हैं NDA के प्रति, उसके कुछ ये कैसे हुआ? ये राजनीति क्या है? ये समाज सेवा है या राजनीति है? कुछ तो बताएं। सर बुरा नहीं मानिएगा, लालू यादव जी यदि इतने ही ताकतवर थे तो राबड़ी देवी जी और उनकी बेटी चुनाव क्यों हार गई, और पूरे बिहार में कोसी में ही क्यों पप्पू यादव और रंजीत रंजन जी चुनाव जीती, और 2 बार नहीं, गिनीज बुक में 2-2 बार। पप्पू जी, मेरा आप से फिर भटक रहे हैं सर। बिना विनम्रता, आप हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, ये सवाल था उनका। किसी भी कीमत पर कोई सॉफ्टनेस नहीं है। बिहार मेरे एजेंडे में प्रथम है, बिहार के नौजवान मेरे एजेंडे में प्रथम है। मैं चाहता हूं हर परिस्थिति में लालू यादव जी और इन गठबंधन ने जो 25 सालों में बिहार का सर्वनाश किया, वह बिहार से बचे, बिहार एक नई ताकत के साथ उभरे। और अब हम रुक कर रहे हैं अपने दूसरे सवाल का, और वो सवाल ये है,
क्या पप्पू यादव की मोदी के साथ कोई सीक्रेट डील हुई है? लालू यादव बार बार यह कहना, बार बार लालू यादव का आश्चर्य होता है लालू यादव जैसे आदमी के बारे में कि पप्पू यादव अमित शाह का पेरोल है। अमित शाह, लालू यादव जी, जब पप्पू यादव बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहा था तो पेरोल कैसे हो गए? कुनो नीचे तो हमको लड़ना नहीं था। पप्पू जी, आपने खुद बताया 3 बार मुलाकात हुई है। दो बार मुलाकात हुई है। बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये कि आप कह रहे हैं कि उसमें सियासी चर्चा नहीं हुई, बिहार के मुद्दों की चर्चा हुई। कब कहा? हाँ, क्या चर्चा क्यों हुई, मैं जानना चाहता हूँ उस मुलाकात में। मैंने कहा विकास के मामले में कोसी और मिथिलांचल के विकास के सवाल पर बातचीत हुई, और दूसरे बार जब मैं मिला तो कुछ बिहार के राजनीतिक चर्चा भी हुई। और ये क्या इत्तेफाक है कि पिछले 1.5 महीने से आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? बहुत 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 अच्छे की सवाल। 90 में मैं हेलीकॉप्टर पर घूम रहा था जब लालू यादव जी और नीतीश कुमार देखा नहीं था। और बहुत आश्चर्य होगा आपको, जब समाजवादी पार्टी से हम अध्यक्ष थे तब भी हम हेलीकॉप्टर पर घूम रहे थे, और 82 में भी हम उतना ही 2-5 लाख रुपया लोगों को, गरीबों को जाके नौकरी के लिए बांटते थे, और आज भी उतना ही बांट रहे हैं। इसलिए बड़ी करबद्ध आग्रह होगी जिसने हेलीकॉप्टर नहीं देखा, हमारे बाप दादे ने पहले ही हेलीकॉप्टर देख लिया था, बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे ऐसे सवाल कभी पप्पू यादव जैसे लोगों पर जिसके पास जो स्वतंत्रता सेनानी 100 रुपया नीतीश जी को नहीं था। और लालू जी कहते हैं कि मैं एकदम चपरासी का बेटा था, तो इतने हजार, मैं तो कह रहा हूं 90 के बाद सारे नेताओं का संपत्ति का जांच हो, पप्पू यादव लिख के दिया है ईडी को, सुप्रीम कोर्ट में। आप 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, आपने खुद स्वीकार किया कि आपकी राजनीतिक चर्चा भी हुई। उसके बाद आप धर्मेंद्र प्रधान से भी कई बार मिले, भूपेंद्र यादव से भी कई बार मिले, और अभी कुछ दिन पहले आप पार्टी के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी से भी मिले। मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी मुलाकातें हुई, आपने खुद माना राजनीतिक चर्चा भी हुई, आप भी चाहते थे कि एनडीए के साथ आप जुड़ जाएं, इतनी मुलाकातों के बावजूद आखिर क्यों बीजेपी ने आपको अछूत बना के रखा हुआ है? मेरे दिल में इच्छा है कि महागठबंधन जो लालू यादव जी का है वह किसी भी परिस्थिति में बिहार से जाए, वह लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 25 सालों के और 10 सालों के अंदर जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं आप उतना मौका मुझे देते नहीं हैं, मैं एक्सप्लेन यदि करूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, दवाई नहीं मिलना, 4.2% एजुकेशन स्कूल में टीचर नहीं, 9.8% प्रोफेसर नहीं, और खुद के बंदो मुखोपाध्याय की बट्टेदारी कानून लागू नहीं कर सके, समान एजुकेशन नहीं कर सके। मेरे पहला एजेंडा मेरा है कि बिहार बदलाव हो, इसीलिए मेरे मन में स्पष्ट थी, आप एक बार जान लीजिए, पप्पू यादव ना तो सेक्रेट डील करने वाला व्यक्ति है, और शायद मेरे ख्याल से देश को इस बात का पता होना चाहिए है कि नरेंद्र मोदी भी सीक्रेट डील करने वाला शायद लोग नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं, पप्पू जी वैसे मैं सुनिए, ठीक है, पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी की डील होगी ना, ठीक है, तो मर्द की तरह होगी और ओपन होगी, ये नुका चोरी करके नहीं होगी। चलिए, राजनीति में पप्पू जी समय की बड़ी अहमियत होती है। आप 1.5 साल से एमपी हैं, 1.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री थे, ये ऐसा क्या हुआ कि चुनाव से थोड़ा पहले आपकी मीटिंग्स उनके साथ होना शुरू हुई, या जैसे पूर्व वक्ता ने कहा धर्मेंद्र प्रधान से, बाकी लोगों से, कुछ ना कुछ तो अहमियत समय की रही होगी। और दूसरा, आप इतना समय डिवोट कर रहे हैं नीतीश और लालू को या महागठबंधन को, कहीं त्रासित नज़र आ रहे हैं आप, डरे हुए उनसे, और नरेंद्र मोदी की 1 साल की सरकार की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा कि ये भी सपना अच्छा नहीं देखता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की 1 साल की सरकार के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, सभी ने सपना को बेचा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं अभी भी दिल से कह रहा हूँ, कश्मीर में भी 24,000 करोड़ रुपया के बारे में उन्होंने कहा, 20,000 करोड़ रुपया के छत्तीसगढ़ के बारे में कहा, अभी 1 लाख, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पुराने बोतल में शराब की बात, यदि सही मामले में नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए करना चाहते, मैं उस दिन भी कहा कोसी और मगध को विशेष पैकेज की जरूरत है, और मेरा सवाल कोसी और मगध से है, बगैर कोसी और मगध को विशेष पैकेज दिए, मिथिला को विशेष पैकेज दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरे गार्जियन के समान है, मैं आपको बता दूं, लगातार अभी नहीं 6 महीना पहले धर्मेंद्र प्रधान से मैं कभी नहीं मिला, मैं दिल से आपको बता देना चाहता हूं। और भूपेंद्र यादव जी, चूंकि पारिवारिक रिलेशन भी रहे हैं, और मैं पॉलिटिकली मैं दंबे की चोट पर कहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी से मैं मिलता रहा हूं, हमारी बातचीत होती रही है,
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी से कभी मेरी बातचीत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी से पहली बार जब मिला, कंप्लीट डेवलपमेंट के सवाल पर मैं मिला था, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। दूसरे बार मिला जो 32 मिनट, और अमित शाह से, भैया मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी अमित शाह जी से मुलाकात सिर्फ एक बार हुई है। यदि कोई कहता है कि मुलाकात हुई है, वो भी इत्तेफाक था। यदि कोई कहता है कि मेरी अमित शाह जी की कोई पॉलिटिकली मुलाकात के लिए कभी हुई पर्सनली जाकर के, तो ये मैं झूठ वाला आदमी नहीं हूं और आप मुझे कोई फांसी नहीं दे दोगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको कहूंगा कि पप्पू यादव जी, यदि कोई डील करना होता, मेरे मन में जरूर था कि मैं दो धारा बने, लेकिन यह बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यह जरूर था कि जब मैं नारा दिया हुआ था बदलेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार और मैं बदलूंगा बिहार, तो जब मैं बदलूंगा बिहार का पूरा नारा था, तो एनडीए के गठबंधन में जाकर के पप्पू यादव कैसे बदल सकते थे। मैंने अपना नारा दिया था, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं दिया था। आपने अपना बढ़िया प्रचार कर दिया यहाँ से, चुनाव प्रचार, और जो कुछ आपने बोला उससे ऐसा लगा जैसे कोई महाक्रांतिकारी पैदा लिया है भारत की राजनीति में, जो बिहार के सारे अपराध, भ्रष्टाचार, अपराधियों को नष्ट कर देगा। लेकिन जो देश में छवि बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक पीन बना के भेजा है कि दूसरे के टायर को आप चुभो ताकि हमारी टायर तेजी से आगे बढ़ जाए, तो आप कितना बड़ा पीन साबित होने वाले हैं लालू यादव और नीतीश कुमार के टायर को पंक्चर करने में। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आग्रह करूँगा कि तीसरे ताकत को मैं बहुत मजबूत करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा, आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी जो देश के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और अडवाणी जी पर्सनैलिटी के हैं, उनके बारे में, शरद पवार जी उनके बारे में, आप पप्पू यादव को टायर पिनाने की बात करते हैं, अब आप कह रहे हैं ओबीसी को भी भेजा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, शरद पवार और मुलायम सिंह को भी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर और पैसा दे देंगे क्या? और ओबीसी को ताकत है किसी को कि पैसा दे देंगे? ओबीसी कोई किसी कीमत पर बीजेपी और आरएसएस से कभी समझौता करेगा? चलिए पप्पू यादव, हो सकता है पप्पू यादव को लालू यादव ने लगातार वोट कटवा और ये बातें कही कि अमित शाह का पेरोल, लेकिन लालू यादव जी, आप जितना माझी को हटाने के लिए क्या आपने डील नहीं किया नीतीश कुमार से? और अगला सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव की गद्दी पर निगाह थी सांसद पप्पू यादव की? क्या उनका उत्तराधिकारी बनना चाहते थे वो? आइए देखते हैं। क्या लालू की गद्दी पर पप्पू यादव की निगाह थी? जिन लोगों ने लालू को गाली दिया दल में और जिन लोगों ने सामाजिक न्याय और दलितों को मजबूत करने की मुखालफत की, उनको इसीलिए हटा दिया गया कि उन्हें लगा कि लालू यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव ना हो जाए। जैसे एक आम सड़ जाता है तो पूरे टोकरी को गड़बड़ करना चाहता, तो जो ऐसे लोगों को जो पहले निकाल देना चाहिए। जो लालू जी के खिलाफ आपकी तलखी जो हम इस कार्यक्रम में भी देख रहे हैं और एक इतिहास भी दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर उत्तराधिकारी आप होते, तेज या तेजस्वी ना होते, तो शायद आप में इतना गुस्सा नहीं होता। तो जिस सवाल को मैंने वर्कर के सवाल को और जिस राजद की विचारधारा को मैं सामाजिक न्याय की विचारधारा को उठाता रहा, यदि वो मुझे बनाते तो निश्चित रूप से उस विचारधारा को जिसको मैं प्लेटफॉर्म पे, जिसको मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उठाया, वैशाली में उठाया, उनके घर पर उठाया, क्यों हम हारे, क्यों जात से हमको निकलना चाहिए, क्यों सामाजिक न्याय की जमात को एकजुट करना चाहिए, जो उनके लिए शोभा नहीं था। वर्कर को वो अपमानित करते थे, एमपी एमएलए को अपमानित करते थे, यह सवाल मैंने सार्वजनिक मन से लालू यादव जी के साथ में रह करके मैंने उठाया, मैं पहले नहीं उठाया। अगला सवाल की लालू यादव के प्रति नहीं है, लालू यादव और राबड़ी देवी को मैंने बार बार कहा, मां के तरह मैं राबड़ी देवी को मानता हूं, लालू यादव का सम्मान करता हूं, लेकिन लालू यादव के जो तौर तरीके हैं वह राजद के विचार धारा और सामाजिक न्याय के वर्कर के तौर तरीके नहीं है। वो जादवों को कि संस्कृति को समाप्त करने वाले तौर तरीका था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया, इसीलिए पप्पू यादव की तलखी है। पप्पू जी, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। पप्पू जी, मैं विनोद अग्निहोत्री हूं, अमर उजाला अखबार से हूं। आपकी विनम्रता जब इतनी है तो पता नहीं क्रोध कैसा होगा, मैं बड़ा घबरा रहा हूं सवाल पूछने में। कि ये लालू यादव के बारे में आपने बहुत विस्तार से बता दिया, राबड़ी जी के बारे में बता दिया, नीतीश कुमार जी के बारे में बता दिया, मैं उन सारी पुरानी बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं इस बहस को। मोदी जी के बारे में बता दिया आपने, आपने अपना एजेंडा ही बता दिया कि आपका अपना एजेंडा बिहार को लेकर क्या है। अपने इस एजेंडे को लागू करने के लिए क्या आप मुलायम सिंह जी के साथ, शरद पवार के साथ और ओवैसी के साथ गठबंधन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे,
या अकेले ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या उनसे कुछ बातचीत हुई है औपचारिक तौर पर? आप मेरे बड़े भाई हो, बहुत बौद्धिक लोग ना बहुत प्यार से पीछे काट देता है और मीठे छुरी से सीरीज दे दे करके लोगों को मार देता है। पप्पू यादव का गुस्सा तो दिख जाता है, आप लोगों का गुस्सा तो दिखता भी नहीं है, आप लोग तो समाप्त फिनिश कर देते हो। हमारे गुस्से में तो ताकत है, इंटेलेक्चुअल के गुस्से में तो ताकत क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा गुस्सा इसीलिए है कि मैं कॉमन व्यक्ति के लिए साफ हूँ, ना भगवान के दरवाजे पर गया ना कभी किसी को सलाम किया। मेरी जिद है गरीबों के आसियां को बदलने का। जहां तक सवाल है तीसरे फ्रंट का, तो निश्चित रूप से मैं तीसरी ताकत बनाने का प्रयास करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि तीसरी ताकत किसी न किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे जी। पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री हो और अति पिछड़ा कोई एक उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन मुसलमान का कोई प्रोजेक्शन हो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में। मेरा प्रयास होगा कि तीसरा फ्रंट एक बड़ा ताकतवर फ्रंट बने, वैचारिक फ्रंट बने। मुलायम सिंह मेरे स्वाभाविक लीडर पुराने रहे, मैं अध्यक्ष रहा हूं और मेरी बहन उनके घर में रिलेशन है। निश्चित रूप से हमारा एक वैचारिक रिश्ता रहा है, वो मेरे नेता हैं। मैं आपको बता दूं तारिक अनवर जी मेरे ननिहाल से हैं, मेरे ननिहाल और उनमें बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, हम लोग एक साथ रहे हैं और तारिक अनवर जी के लिए हमेशा हम प्रयास करते रहे हैं। इसीलिए बातचीत राजनीति में कभी बातचीत बंद नहीं होती। हम सब लोग 25 साल से राजनीति बहुत करीब से देख रहे हैं। लालू जी के साथ जो भी यदुवंशी बाहर गया उनके साथ से वो लगभग ख़त्म हो गया। गैर यदुवंशी जो निकला वो तो कुछ सरवाइव कर गया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों चाहे नीतीश कुमार हों, लेकिन रामोदेश जी से लेके चंद्रिका राय, देवेंद्र यादव, जितने यदुवंशी निकले हैं, आप क्या अपनी जमीन खिसकती देख के इतने आक्रोश में हैं? अभी जो बात आप कर रहे हैं वो तुरंत आपको गुस्सा आता है, क्या आपको लग रहा है कि यदुवंशी आपको छोड़ रहे हैं? याद रखिएगा, पूर्णिया में मात्र 125,000 यादव हैं, बुरा नहीं मानिएगा। 3 बार सांसद में वहाँ से रहा हूँ जहाँ पर ऊंची जात, पिछड़ी जात और मुसलमान सबसे ज़्यादा है। मैंने पहले भी कहा मैं जदवंशी या ब्राह्मण या राजपूत नहीं कर सकता हूँ, मेरी लड़ाई गरीबों के लिए है। जहाँ तक यदुवंशी का सवाल है तो बुरा नहीं मानिएगा, पप्पू यादव सच्चाई है वो कृष्ण का वंशज है और मैं 5 बार नहीं 6 बार रहा हूँ निर्दलीय। लालू यादव जी के लाख विरोध के बावजूद, पूरी ताकत के बावजूद, रंजीत रंजन और पप्पू यादव सांसद है। कोसी का लाल है पप्पू यादव, कोसी का खून है पप्पू यादव। आपने कई दलों के साथ कभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कभी कई दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, बार बार आप फैसला लेने में आप गलती क्यों कर देते हैं? और इस बार जो आप फैसला लेने वाले हैं, अभी तक आपने उसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण बिहार की जनता को नहीं दिया है। बिहार के जो सामाजिक व्यवस्था है ना, जातीय व्यवस्था, जिसके चलते हमारे जैसे लोगों को फैसला लेने में कभी कभी बहुत कठिनाई होती है। मैं दिल से बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, हो सकता है मैं चुनाव नहीं लड़ूं, एक हो सकता है, मैं आपको दिल से कहता हूं कि मैं राजनीतिक व्यवस्था से मैं उबा हूं। और अब हम रुक करते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से का। बिहार का विकास कौन कर सकता है, मोदी या नीतीश? इस सवाल को मैं थोड़ा संशोधित कर दूं, आपको क्या लगता है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बिहार का विकास कर सकते हैं? बिहार का किसी भी क्षेत्र का विकास मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। आपकी भागीदारी नरेंद्र मोदी वाले एनडीए के साथ होगी कि इसके ये जो लालू नीतीश वाला ग्रुप है उसके साथ होगी कि आप इंडिपेंडेंट ही 122 एमएलए जीत? नहीं, झूठ तो नहीं बोलूंगा कि मैं आज 120-122 डील जीत लूंगा, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं। तो भागीदारी किसके साथ होगी, बहुत सीधा सवाल है। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी का जब गठबंधन है, जिसमें लालू यादव कह रहे कि मेरा बेटा का भूमिका सबसे ज्यादा होगा, मैं स्पष्ट आपसे बड़ा विनम्रता के साथ कहूंगा, जहां लालू यादव जी होंगे वहां पप्पू यादव की भागीदारी नहीं होगी। तो स्पष्ट कर दीजिए आप कितनी सीटें लड़ेंगे, उसी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा,
यदि मैं 10 सीट जीतूं या 5 या 20 या 25। पप्पू जी बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे, असमंजस बना हुआ है, पप्पू 243 सीट लड़ेंगे, 100 सीट लड़ेंगे या लड़ेंगे ही नहीं? भैया मेरे वो कल तय होगा, तीसरा फ्रंट यदि ताकतवर रूप से उभरेगा तो हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पप्पू यादव ने निहायत ही विनम्र और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी घोषणा पत्र में, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव आपका और हमारे तमाम खास मेहमानों का जो कि इस चर्चा में शरीक हुए। तो एबीपी न्यूज पर इसी तरह से घोषणा पत्र में खास मेहमानों के आने का सिलसिला बना रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।